अलबत्त एक चीज में वाजे कर दूं, केपी में पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया और इस मीडिया टॉक के जरिए मैं ये वारन कर रहा हूं कि जहां पे भी इस जिस पुलिस ऑफिसर ने गलत एफआईआर की है हमारे वर्कर्स के खिलाफ, इस तमाम का खमियाजा भुगतना होगा आईजी केपी को। और आईजी केपी अभी 3 RPO और 7 DPO तैयारी पकड़े कि वो अनकरीब जेल जा रहे हैं। मैं खुद उनके केसेस, उनके खिलाफ केसेस की पैरवी करूंगा। छोड़ना हमने नहीं है, जो जुल्म आपने किया हम वारन करते रहे आपको कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। आपने अपनी वर्दी की मट्टी भी पलीत की, आपने PSP का जो रिस्पेक्ट था उसको भी मलियामेट किया, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के शहादा का जो इमेज था, जो पीपल लोग अवाम जो थे वो अपनी पुलिस से जो मोहब्बत करते थे, उस बॉन्ड को आपने तोड़ा, आपने अपने अकदार को बुरी तरह मलियामेट किया। तो लिहाजा मैं ये ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के बाद जो सबसे पहला काम करेगी सिर्फ उन FIR को। अब इन्होंने, हम कोशिश करेंगे कि सियासी केसेस वापस न लें, बल्कि हम उनको कहेंगे कि अब आप आए और साबित करें। जिधर जिधर कोई ऐसे चो या DPO केस साबित नहीं करेगा उसके खिलाफ हम हुकूमत में आने के बाद पर्चे करेंगे।